हाँ जी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है गुड़गांव इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे, आपकी निम्नतम मांगे क्या क्या हैं? सर, हम तो कोई ज़्यादा मांग कर नहीं रहे, हम तो खाली यही बोल रहे हैं जो हमारी पुरानी सैलरी थी, जो चल रहा था वही दे दो। अब क्या है कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमने अच्छे कॉलेजों में दाखिला करवा दिया है और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने घर में सामान भी खरीद रखा है। अब तो हमारे बच्चे भी रोड पर आ जाएंगे, हम कहाँ 6,000 रुपये में काम करेंगे, कहाँ 17,000 में कर रहे थे, अब तो हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो पहले आपको जो तनख्वाह मिलती थी वो किस माध्यम से मिलती थी? सर, वो पीआरडी के माध्यम से मिलती थी। सन 2020 में जो है इन्होंने हमें पीआरडी में डाल दिया था और बहुत बढ़िया चल रहा था और हम खुश भी थे और काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। हालांकि कर्मचारी कम थे मगर काम बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बावजूद पता नहीं इनके क्या दिक्कत हुई, इन्होंने पीआरडी का रिन्यूअल नहीं कराया 2022 से। 2022 मार्च से जो है 2023 अगस्त तक हमें फिर भी कॉलेज प्रशासन 570 रुपये देता रहा। तो आप एक बात बताइए, जो 17 महीने इन्होंने जो वेतन आपको वितरण किया, आप बता रहे हैं कि 2 अप्रैल 22 से कह रहे हैं आप, बिना विस्तारीकरण के आपको वेतन जो वितरण किया गया, किस आधार पर इन्होंने 17 महीने आपको वेतन दिया? सर, उसमें हमारे 10 रुपए कटते थे, हमें तो यही पता है कि पीआरडी से ही आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 31 तारीख को अचानक इन्होंने टेंडर प्रक्रिया कर दी बिना बताए। जो नए 32 कर्मचारी लगे, हमारी उनसे वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा भी हमारा तो हो गया टेंडर में हो गया। मैंने कहा हमें तो पीआरडी से मिल रही है। कि नहीं नहीं, तुम्हारा भी टेंडर में हो गया, पर 250 आदमी की नियुक्ति है, सही से देख लो अंदर जाके। तो वर्तमान समय में तो यहाँ पे 199 कर्मचारी हैं जिस तरह से मैं सुनने में आ रहा है, तो ये 250 कैसे बढ़ गए? सर, वो इनकी अपनी रणनीति है, हमें 250 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने 570 रुपये से मतलब है। सर, हमें तो 570 रुपये जो मिल रहे थे हमें वही चाहिए, उससे कम हमारा गुजारा नहीं है, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद आपका।